आजमाइश का क्या चैलेंज था? आजमाइश का चैलेंज यही था कि उसमें काफ़ी ना मारपीट वाले सीन्स थे और बीच में कोई थर्ड डे था मेरा शूट का, और ना उसमें हम लोग एक सीन शूट कर रहे थे जिसमें मेरा बाजू जो है वो डिसलोकेट हो गया. ओह गॉड. कि वो खींचा तानी वाला सीन था और मैं ना बोल रही थी कि मेरे में इतनी नहीं है, प्लीज़ माइम करें, नहीं रियल एक्टिंग नहीं करनी है, ये आप ना एक्टिंग करें इसको. तो जब वो नहीं हो सका कि लास्ट जब हमारा शॉट एक रहता था और मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि मेरा हाथ मूव नहीं कर पा रही, मैं फिंगर्स भी मूव नहीं हो रही, हाथ भी मूव नहीं हो रहा और पेन है बहुत ज़्यादा. तो पहले तो मैंने वो सीन के अंदर थी रो रही थी, तो उसके बाद मेरा रियल वाला रोना निकलना शुरू हो गया. आई वाज क्राइंग और मेरा जो डायरेक्टर है फजर, ही केम टू मी एंड ही सेड कि क्या हुआ है, क्या अच्छा चले आ जाए सीन कर लें. उसको लगा कि शायद मैंने कोई विक्स लगाई हुई है और मैं आंसू निकले जा रहे हैं और मैं कह रही हूँ कि आंसू नहीं हिल नहीं रहा, और मैं रोना शुरू हो गई और उसको समझ ही नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या है, ये क्यों रो रही है. फिर मुझे हॉस्पिटल लेके गए तो वो वहाँ पे ना डायरेक्टर्स और टीम को भी थोड़ी सी डांट पड़ी डॉक्टर से. वो कह रहे हैं आप कैसी शूट कर रहे हैं, आप लोगों के बाजू निकाल रहे हैं, इनका बाजू डिसलोकेट हो गया. और फिर उसके बाद मुझे वहाँ पे इंजेक्शन लगे और मुझे इतना रोना आया वहाँ पे, इतना रोई और दिल चाहा कि इन सबको पकड़ के. मैंने कहा भी था कि मैं बोल रही थी कि नहीं मेरे साथ ऐसे करो, नहीं करो. लेकिन उसके बाद खैर पूरी रात हम लोगों की वो काली हो गई, हम लोग हॉस्पिटल में थे. फिर वो थेरेपी कुछ की उन्होंने, दो दिन तक वो हुई और फिर उसके बाद जाके काफ़ी पेनफुल होता है. ओह बहुत पेनफुल था कि अब आके, और काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि एक सीन में ना वो था कि मुझे ना मेरे बाजू से खींचना था और थप्पड़ पड़ना था, तो उसमें मैं अम्मी के साथ हूँ और ना खींचा तो वो मेरे बाल हाथ में आ गए. मैं बता नहीं सकती हूँ कि मेरे बालों का इतना गच्चा उनके हाथों में था और मैं निकाल निकाल के दिखा रही हूँ और ऐसे. और फिर मैंने प्रोडक्शन में मैसेज किया मेरे से नहीं हो रहा, ये बहुत मुश्किल स्क्रिप्ट है, बहुत मारपीट है और ना माइंड नहीं कर पा रहे सब, तो मुझसे नहीं हो पा रहा, मुझसे मैं पेन में हूँ कॉन्स्टेंट. फिर उसके बाद आके काफ़ी कुछ ऐसे सीन्स आए जिसमें फिर थप्पड़ शप्पड़ थे, मुँह पर पकड़ना था. फिर मैंने कहा नहीं आप लोग तो घर चले जाएंगे, बाद में मैं हॉस्पिटल में बैठी भी होंगी. नहीं मैं नहीं कर सकती, मेरी अच्छी भली जिंदगी चल रही है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं हॉस्पिटल पहुँच जाऊँ. अच्छा ये मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि जैसे कुछ ना एडवेंचरस चीज़ें होती हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि यार अच्छी भली जिंदगी चल रही है, मैं पहुँच जाऊँ अपनी हड्डी तोड़वा लूँ और फिर उसके बाद कहूँ कि क्या हुआ मेरे साथ, ये तो लाइफ का एक्सपीरियंस है. तो मैं थोड़ा सा डरती हूँ और मैं जैसे गाड़ी भी कभी चलाऊँ तो मैं अपनी स्पीड पर चलाती हूँ, बेशक कोई रोता रह जाए कि लेट हो रहे हैं जल्दी चलाओ ये वो, मैं कहती हूँ ना मैं तो आराम से ही चलाऊंगी, अच्छी भली शक्ल मिली हुई अल्लाह ताला का शुक्र है. और मैं कुछ ऐसा करूँ कि एक्सीडेंट हो जाए और चला जाए मेरी वजह से, सही बात है, तो मैं कभी भी उन चीज़ों की तरफ नहीं जाती हूँ, थोड़ी सी डरपोक हूँ. लेकिन मुझे लगता है आई थिंक लड़कियों के लिए बड़ा है अगर हाथ में अपने बालों का गुच्छा देख लें तो वो चाहे सीन हो नहीं हो वैसे ही डिप्रेशन हो जाए. रोना इतना आया मुझे उस टाइम पे, लेकिन मैंने कंट्रोल किया सबके सामने. मैंने कहा कि यार मुझे बहुत रोना आ रहा है कि मेरे बाल उतर के हाथ में आ गए, लेकिन मैंने थोड़ा इशू नहीं था कि इतना ज्यादा वायलेंस दिखा रहे हैं और ये मारपीट और इतना ज्यादा रफ की रिक्वायरमेंट थी वो, तो उस पर आपने कुछ बोला नहीं या कुछ बोला नहीं किया? मैंने कहा नहीं अब नहीं, अब नहीं हो सकता. और क्योंकि मैंने इसलिए भी कहा क्योंकि उस स्क्रिप्ट के अंदर ऐसा है कि माँ जो है वो सिर्फ घर के लिए कि घर में इज्जत से रह रहे हैं उस वजह से दबी हुई हैं, बातें सुन रही हैं, चीज़ें कर रही हैं. लेकिन जो निम्रा है कैरेक्टर वो चाहता है कि मैं स्ट्रांग हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, आप हिम्मत करें, मैं कमाऊंगी, मैं आपको घर पे भी रखूंगी, मैं सारे खर्चे उठाऊंगी, पर एक दफा मेरी बात सुन लें. तो मतलब कि उसके अंदर इतनी पावर है, वो इतनी भी नहीं है कि वो रोती रहेगी सुनती रहेगी, अगर कहीं सुन भी रही है तो माँ की वजह से सुन रही है. तो उसके कहीं ना कहीं मेरे रिएक्शंस भी आए कि अगर बहन कुछ कह रही है तो वो सुना भी देती है, स्ट्रेट फेस करके बात कर देती है अपनी. फिर जब वो थोड़ा सा आगे से रिएक्शन आता तो डर भी जाती है कि अच्छा सॉरी. तो वो वाला सीन है उसका, वो भी अभी आई थिंक उसका भी एक जर्नी है जो आगे जाके, जर्नी है वो अभी तो शुरू का है, आगे जाके वील आई एम श्योर वील सी मोर डेवलपमेंट इन हर कैरेक्टर. मुझे हमेशा यही होता है कि जो भी कैरेक्टर मैं कर रही हूँ उसमें से किसी को कुछ सीखने को मिले. जैसे मैंने गुलो गुलजार किया था तो मुझे पहले गुल का कैरेक्टर ऑफर हुआ था, तो मैंने पढ़ा तो ना मैंने गुलजार का जब पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि ये तो स्ट्रेट है, बस एक लड़की है और वो इस तरह की. तो मैंने कहा नहीं ये स्ट्रेट नहीं है, ये बेवकूफ़ लड़की है. हाँ
तो ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये मुझे करना है. कि मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी लड़कियां देखी हैं जो बेवकूफ़ हैं. यू आर सो राइट. जिनको समझ ही नहीं आती कि आप उनको कोई बात बताएंगे भी ना तो वो नहीं समझेंगी, उनको समझ ही नहीं आती. तो वो लड़की जो थी कि जो बार बार अपनी दोस्त पर यकीन कर लेती है, घर खराब कर रही है अपना, उसके कहने पे घर छोड़ के भागने भी लगती है. तो ये सब बेवकूफ लड़कियां करती हैं. और शेड्स थे कि अपनी चीज अच्छी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन दूसरे से इंस्पायर हो रही है जो कि गलत है, जो गलत चीजें कर रही है, उससे इंस्पायर होके अपना भी बेड़ा गर्क कर रही है उस चीज में. तो वो मुझे लगा कि यार ये जो है इससे लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा कि बेवकूफ. और मैंने वो प्ले भी ऐसे किया था कि ना वो फेस भी ऐसा था उसके अंदर कि बेवकूफ हूँ मैं बहुत बड़ी. बट यू आर सो राइट, उसका कैरेक्टर बहुत ज़बरदस्त था. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ गर्ल्स कुड रिलेट, एंड आई होप उन्होंने सीखा हो कि हम भी, बिकॉज वो बड़ी रिलेटेबल बातें थी ना. और वो बात कि अपने पास चीज़ अच्छी है लेकिन आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे और दूसरे की चीज़ को ज़्यादा आप चाहते हैं, कि चमक रही होती है वो चीज़ तो आपको वो चाहिए. स्क्रिप्ट चूज़ करती हैं जब, तो क्या दिमाग में चीज़ें होती हैं स्क्रिप्ट चूज़ करते हुए, कि ये चीज़ें हैं जो मैं करूँगी, ये चीज़ें हैं जो मैं नहीं करूँगी. इज देयर समथिंग जो किंजा कहती है कि मैं ये नहीं करूँगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर मुझे लगता है कि कैरेक्टर बहुत अच्छा है, स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है. पहले कभी ऐसा होता था कि आप बोल नहीं सकते थे स्क्रिप्ट के लिए, कि लोग जो है वो ऑफेंड हो जाते थे कि तुम्हें अभी दिन ही कितने हुए आए हुए इंडस्ट्री में, तुम पूछ रही हो कि स्क्रिप्ट क्या है, कैरेक्टर मिल रहा है अच्छा लीड पे, यही बहुत है. तो मुझे भी होता था कि यार ये सुनने को मिली है, बातें बहुत सुनने को मिली है. तो मुझे भी होता था कि हाँ ठीक कह रही हैं ये, कि मुझे कैरेक्टर मिल रहा है, ऑफर हो रहा है और स्क्रिप्ट मिल रहा है, लीड मिल रहा है, तो मुझे करना चाहिए. लेकिन क्योंकि अब मैं ऐसी जगह मुझे लगता है कि मैं पहुँच गई हूँ कि मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ, लेकिन अभी भी लोग ऑफेंड हो जाते हैं. ये भी नहीं है कि अब आके वो चीज़ हो गई, अब आके भी हो जाते हैं कि नहीं आप क्या कहना चाह रही हैं कि ये कैरेक्टर अच्छा नहीं है, अगर आपको नहीं करना तो आप नहीं करें, लेकिन ये कैरेक्टर बहुत अच्छा है. तो मैं कहती हूँ कि वो तो बात ठीक है आपकी, लेकिन ये कैरेक्टर नहीं अच्छा, जाओ. तो वो वाला स्टेज आ गया कि मैं बोल सकती हूँ कि ये चीज़ सही नहीं है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा. मैं फिर अगर मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, कैरेक्टर के अंदर मार्जिन है कि मैं इसको कर सकती हूँ, जो कि हमेशा होता है. अगर आप पढ़ें जैसे निम्रा का मैंने किया, कि मार्जिन है कि वो है कि अपनी छोटी जो उससे एक बड़ी है थोड़ी सी, उसके साथ वो बिल्कुल उसके टक्कर पे आके जवाब देती है, उससे बड़ी जो है उससे थोड़ा डर जाती है, लेकिन जब बोलना पड़ता है तो बोलती है कि मुझे क्यों बुरा बना रही हूँ, मैं क्यों करूँ, और ये वो चीज़ें करती है. तो मुझे लगता है कि हर जगह पे स्पेस है कि आप उस चीज़ को ठीक कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे करोगे. तो ये चीज़ मैं बजाय इसके कि मैं ये कहूँ कि ये चीज़ सही नहीं है, स्क्रिप्ट ठीक नहीं है, अगर स्क्रिप्ट अच्छा लिखा हुआ है, लाइंस अच्छी लिखी हुई हैं, आपका कैरेक्टर थोड़ा वीक है, तो आप उसके अंदर चीज़ें बना सकते हो. और क्योंकि हर इंसान की पर्सनालिटी अलग है, तो हर किसी के अंदर मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसा कैरेक्टर जो एंड पे जाके पागल हो जाएगा, तो वो शुरू से कुछ ना कुछ होना चाहिए उसके अंदर. एकदम से पागल कैसे हो जाएगा, शुरू से कोई ना कोई दिमागी मसला होना चाहिए. और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल विद एज जो है मसला बढ़ता जाता है उनका, वो स्टबर्न हो जाते हैं, वो नहीं सुनते लोगों की बातें. हमारे पेरेंट्स में भी काफ़ी ऐसे हैं जिनका मैं देखती हूँ अपने फ्रेंड्स के पेरेंट्स को, कि टाइम के साथ साथ उनकी बातें, उनकी चीज़ें जो है वो पक्की हो जाती हैं, वो बिलीव करते हैं कि यही सच है और हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, आप उनको नहीं समझा सकते. ये बात तो बिल्कुल. तो ये चीज़ जो है वो मैं देखती हूँ कि पर्सनालिटी में अगर कुछ चेंजेस आ सकते हैं, तो मैं इसकी पर्सनालिटी को इस तरह से लेके जाऊँ, कैरेक्टर की. तो अच्छा ये बताएं, आप रैंप पे कैसे पहुंची? हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं. मॉडलिंग कर रही थी आप, कोई कॉलेज स्कूल का प्रोजेक्ट हो रहा था जिस पे यू वर वॉकिंग ऑन अ रैंप? नहीं नहीं, डायरेक्टर ने आपको देखा और ऑफर किया? हाँ, वो मैंने एक एजेंसी के साथ साइन किया था कि सिंगिंग के कोई प्रोजेक्ट्स होंगे तो मैं वो करूँगी, लाइक जिंगल्स और इस तरह की चीज़ें. तो उनको मेरी आवाज़ बहुत पसंद आई थी, लेकिन उस दौरान मुझे हुआ कि यार ये मुझे सीख के करना चाहिए, ये ऐसे नहीं है कि मैं बस कर दूँ और मुझे सीखना चाहिए. मैंने क्लासेस शुरू की, तो उन्होंने कहा कि बेटा आप क्लासेस तो कर रहे हो, अभी सीख रहे हो, तो आई थिंक आपको मॉडलिंग करनी चाहिए थोड़ी सी. तो मैंने कहा ओके, मैंने कहा कर लेंगे. मुझे उन्होंने कहा कि एक रैंप शो आ रहा है तो आप वो करो, आपको थोड़ा ऐसा एक्सपीरियंस भी होगा तो ना अच्छा रहेगा आपके लिए. तो अभी आप छोटे भी हो तो आई थिंक आपको इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी करनी चाहिए. तो मैंने कहा ठीक है कर लेती हूँ. मैं एक्साइटेड हो गई और मैं वहाँ गई, तो वहाँ पे बैक स्टेज ही ना डायरेक्टर एक आए हुए थे, तो वो उनकी ना एजेंसी से मिलने के लिए आए हुए थे जो उनके मेन थे, तो उनसे मिलने आए हुए थे. तो मैं गुजर रही थी तो उन्होंने कहा किंजा एक मिनट रुको, ये डायरेक्टर हैं, ये एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इनको ना इंटरव्यू दो, वो जाके अपना ऑडिशन दो. तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा जी 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 ठीक है ओके. मैं करके निकल गई.
तो उसके बाद उन्होंने मुझे दो दिन बाद कॉल किया कि वो बुला रहे हैं, तो कब का आपका टाइम सेट करें हम लोग जाने का। तो मैंने कहा मुझे तो एक्टिंग का ये भी नहीं आता और मुझे नहीं करनी है एक्टिंग वैक्टिंग, मैं नहीं कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं एक दफ़ा ऑडिशन तो दो। मुझे बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा कि नहीं नहीं तुम्हें जाना चाहिए, मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है चली जाती हूँ। मैं गई, इतना बुरा ऑडिशन दिया मैंने वहाँ पे, सिर्फ थोड़े से जेस्टर्स थे जो मेरे नॉर्मली निकल आते हैं कि वो कोई लाइन भूल गई तो ये कर लिया और इस तरह के कुछ थे फनी से, तो उन्होंने वो सारी लाइंस को साइड पे किया, वो जेस्टर्स निकाले और उनको एक उसमें बनाया और वो जाके दिखाया और वो सिलेक्ट कर लिया। फिर मैंने बोला कि मुझे तो एक्टिंग नहीं आती है। और ना वो भी एक ना पूरी स्टोरी है कि ना जाने से पहले क्या था, उन्होंने मुझे कॉल किया कि आप ऑफिस आ जाएं। मैंने कहा बंदे ने रिजेक्ट करना ही है तो कॉल पे कर दे, हम मुझे बुलाएंगे सामने बिठाएंगे बोलेंगे कि सॉरी आप नहीं सिलेक्ट हुई। अब मैंने ये सारी चीज़ें मैंने कहा अच्छा चलें आती हूँ, गई बैठी सामने, तो उन्होंने कहा कि वो एक्चुअली हमने बात करनी थी वो ये कि आपको हमने सिलेक्ट कर लिया, तो आप अब शूट जो है वो हमारी 15 दिन की आपकी वर्कशॉप होगी और फिर उसके बाद हम शूट पे चले जाएंगे।